बात करेंगे सुखपाल सिंह खेरा की। पंजाब कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस विधायक को जलालाबाद पुलिस ने ड्रग्स से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस सुबह चंडीगढ़ उनके घर पहुंची, जहां से वो सुखपाल खेरा को गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुखपाल सिंह खेरा को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब में कांग्रेस एमएलए की गिरफ्तारी हुई है और अब उनसे पूछताछ होगी, क्योंकि पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर गई है। ड्रग्स तस्करी के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसको लेकर के पंजाब में सियासत भी तेज है। पंजाब कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। कांग्रेस विधायक को जलालाबाद पुलिस ने ड्रग्स से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया है। उनके चंडीगढ़ आवास पर पहुंचती है पुलिस, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है और पूछताछ के बाद और खुलासे होंगे। तो सुबह के वक्त इनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने चंडीगढ़ से सुखपाल खेरा को गिरफ्तार किया है। ड्रग्स मामले में उनकी ये गिरफ्तारी हुई है। सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी हुई, इस पर सियासत तेज हो गई है। सुखपाल सिंह खेरा के बेटे मेहताब ने भगवंत मान सिंह सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने बदले की कार्रवाई की और इसीलिए उनके पिता को गिरफ्तार किया। उनके पिता को पंजाब सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से गिरफ्तार किया गया। कारण तो सियासी बदलाखोरी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान का शराबी चेहरा और उनकी पार्टी को बेनकाब किया सुखपाल सिंह खेरा ने। पंजाब में किसी के साथ भी कभी कोई धक्का होया या सरकारी, जैसे आज हमारे साथ हुआ है, या किसी ड्रग्स ओवरडोज करके किसी की डेथ हुई, तो सुखपाल सिंह खेरा ने वहां पे जाके उनका साथ दिया, उनका समर्थन किया। यस करेक्ट, एक एनआरआई दी कोठी दा जब कब्जा हुआ, आप सब जानते हैं उन्होंने कैसे एक एनआरआई परिवार को उनका हक दिलाया। जब पंजाब में रह के आप पंजाबियत और सिखों की बात करोगे, सरकारों के खिलाफ बोलोगे, तो उसका ये सरकार आपको मेडल देती है, मैं पर्चा नहीं मानता। पंजाब में विपक्षी गठबंधन आमने सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हैं। तो विपक्ष के गठबंधन का ये हिस्सा है और एक दूसरे के आमने सामने है, लेकिन पंजाब में सुखपाल खेरा की गिरफ्तारी के मामले में दोनों के बीच यहाँ पर फूट जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दरअसल कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा ने पंजाब सरकार पर आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है या कोई तथ्य नहीं है ये कहा है। इसकी निंदा करता हूं। जिस प्रकार का ये पंजाब पुलिस ने ये कदम उठाया है, सरासर जंगल राज है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। जो तमाम एफआईआर की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दी हो, क्वैश कर दी हो, जिसमें नोटिस रिगार्डिंग स्टे हो गया हो ईडी को, उसमें केस में है क्या? जो 8 साल पुराना केस है यार, उसमें कुछ नहीं है। सुखपाल सिंह खेरा कोई गलत काम हो सकता कर रहे हो या कुछ किया हो, लेकिन सुखपाल सिंह खेरा नशा नहीं बेचता है, ये आपको बताना चाहता हूँ। काहे का ये गलत किया तब भी? तो कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा को सुबह उनके घर से गिरफ्तार किया गया। जलालाबाद पुलिस अब उन्हें कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है, लेकिन इन सब के बीच में उन्हें आखिर गिरफ्तार किस मामले में किया गया और ये मामला कितना पुराना है, अब आपको बताते हैं। सुखपाल सिंह खेरा को ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया। जिस केस में सुखपाल सिंह खेरा को गिरफ्तार किया गया वो करीब 8 साल पुराना केस है। 8 साल पुराने ड्रग्स तस्करी के मामले में 13 अप्रैल 2023 को एसआईटी का गठन होता है। एसआईटी का गठन पंजाब पुलिस के डीआईजी स्वप्न शर्मा के नेतृत्व में किया गया था, जिनकी जांच में सुखपाल खेरा ड्रग्स तस्करी के मामले में शामिल पाए गए और इसी के आधार पर जलालाबाद पुलिस उन्हें चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लेती है। और सुखपाल खेरा की गिरफ्तारी पर कांग्रेस और आप में ठन गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी पर बदले की राजनीति के आरोप लगाए हैं, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। कांग्रेस के राज में इनकी गिरफ्तारी हुई, सुखपाल खेरा की और गुरुदेव की। सुखपाल खेरा ने बचने के लिए कांग्रेस को ज्वाइन करा लिया और उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो गया। और जब सेशन जज ने एसआईटी का गठन किया तो इनका जो साथी था गुरुदेव, उसको तो 10 साल की सजा हो गई है। इनका राजनीतिक संरक्षण की वजह से जो नहीं हो पाई, वो अब कानून अपना रास्ता ले रहा है। जिस कचहरी का भी दरवाजा सानू खटखटाना पे, असी खटखटा के उन्हां दी पिछ पिछे रहांगे, उन्हां दी जमानत भी करावांगे। तो मैं भगवंत मान ने को गल कह देना चाहना, भगवंत मान जी, सरकार हमेशा नहीं चलती। जो तुसी एक
अपना ट्रेंड विखा रहे, नॉन डेमोक्रेटिक ट्रेंड विखा रहे, मैं कड़े शब्दों आलोचना करना।